हेलो एवरीवन, सो मेरे फादर जो है उन्हें कैंसर पेशेंट थे। ये चीज़ हमें जो है बहुत लेट रियलाइज हुई, एटलीस्ट जब हम श्वेता मैम से मिले और जब हमने फर्स्ट टाइम अपना ट्रीटमेंट जो था वेद प्रकाश जो मेरे फादर हैं उनको ट्रीटमेंट जो हमने श्वेता मैम को फर्स्ट टाइम दिखाया था। सो ये बहुत गलत कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ही गलत ज़्यादा सोच है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ जो है फीमेल्स में होता है, वो जो रिलेटेड होता है वो मेल्स में भी सर्वाइवल और इसके जो चांसेस हैं कैंसर्स के जो आप बोल सकते हैं वायरस हैं वो मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि आप एक नॉर्मल से नॉर्मल गार्ड को भी आप इग्नोर मत कीजिए, आप उसको भी सीरियस लीजिए, कंसल्ट करिए। जो जो मुझे कैंसर के सुनने के बाद में झटका लगा, शायद मैं चाहता हूँ कि और किसी को फैमिली को वो ना मिले। सो मेरा सिर्फ इतना ही सजेशन है कि आप लाइफ में यदि कभी भी कोई भी बॉडी में किसी तरीके का छोटा सा भी डाउट आपको होता है तो कंसल्ट करें। मैंने अपना ट्रीटमेंट आनंद हॉस्पिटल से ही करवाया, श्वेता मैम के अंडर मेरी कार्डियोलॉजिस्ट जो कैंसर की थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे मोटिवेट किया क्योंकि कैंसर सुनते के साथ ही थोड़ा सा मैं ऑप्रेस हो गया था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम को, आनंद हॉस्पिटल को, कि मेरा और मेरे फादर के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। थैंक यू सो मच।